हेलो गाइस, जय भारत। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मिजो कंपाउंड्स के बारे में, इनेंशियोमर्स के बारे में एंड डायस्टेरियोमर्स के बारे में। आई होप कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आज हम एक और नए टर्म पढ़ने वाले हैं, दैट इज रेसमिक मिक्सचर। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे रेसमिक मिक्सचर। अब रेसमिक मिक्सचर होता क्या है तो समझना। जैसे मैंने बोला, कोई कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके क्या डी और एल दोनों प्रेजेंट होंगे। जैसे मैंने बोला ब्यूटेन टू ओल, तो ब्यूटेन टू ओल का डी आइसोमर और एल आइसोमर, स्मॉल डी स्मॉल एल दोनों प्रेजेंट होंगे। अगर मैंने स्मॉल डी और स्मॉल एल के मिक्सचर बना लिया और उस मिक्सचर में 5 मोल डी के लिए तो 5 मोल ही एल के लिए, तो जो मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर बनेगा रेसिमिक मिक्सचर। अब इसकी कुछ क्वालिटीज होती है इसलिए अपन इसे अलग से पढ़ रहे हैं, लिखेंगे डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेस्ट्रो स्मॉल डी एंड लीवो स्मॉल एल ऑफ द सेम कंपाउंड इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। लिख दो जल्दी से। अगला स्टार इसे लगा देना 3 स्टार। ये जो अगला स्टार है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आता रहेगा। क्वेश्चन क्या है स्टार पॉइंट डाल के, रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, या फिर बोल सकते हैं इंटरमोलिक्यूलर न्यूट्रलाइजेशन। लिख दो जल्दी से, रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन या फिर इंटरमोलिक्यूलर न्यूट्रलाइजेशन। इसे लिख दो, समझते हैं। पहली बात तो इसे भी अंडरलाइन कर देना कि जो इक्विमोलर मिक्सचर है, अगर दोनों डी और एल के मोल्स बराबर नहीं लिए तो फिर रेसमिक में नहीं बनेगा। ऐसा नहीं एक के 5 मोल ले लिए दूसरे के 3 मोल ले लिए, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों के इक्विमोलर मिक्सचर लेने पड़ेंगे तभी जाके हमारे पास रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ये लिख दिया, समझो थोड़ा सा। समझो, जैसे मैंने बोला ये एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में मैंने बोला ये डी का सॉल्यूशन है, डी किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का डेस्ट्रो है उसका एक सॉल्यूशन बना हुआ है। तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन में से मैंने जब पीपीएल को पास की, पीपीएल को इस सॉल्यूशन से जब पास करेंगे तो ये कुछ अमाउंट से उसे क्लॉकवाइज में रोटेशन देगा। मैंने बोला ये जो डी है ये क्लॉकवाइज में रोटेशन दे रहा है, और सपोज कि ये 50 डिग्री से रोटेशन दे रहा है। जस्ट मैंने एग्जूम किया, प्लस से मैं डिनोट कर देता हूँ, क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव से मैं बता रहा हूँ, समझ में आता है। ये 50 डिग्री से क्लॉकवाइज में रोटेशन दे रहा है पीपीएल को। एक और मैंने बात की उसी कंपाउंड का, जिस कंपाउंड का डी है उसी कंपाउंड का मैंने एल ले लिया, ये एल ले लिया। अब एल क्या करता है, सर अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है तो ये एल जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। अगर सेम कंपाउंड की बात हो रही है, ये 50 डिग्री से रोटेशन दे रहा है तो ये 50 डिग्री से रोटेशन देगा लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। अब चूंकि एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है इसलिए मैंने उसे माइनस से डिनोट कर दिया, समझ में आता है। अभी क्या होगा, जब पीपीएल इस सॉल्यूशन से पास होगी तो वो जो है एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन मिलेगा उसे पीपीएल को। यहां पर क्लॉकवाइज रोटेशन मिल रहा था, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा था। अब हमने क्या किया, हमारे दिमाग में खुरापाती जन्म ली, हमने क्या किया दोनों को मिक्स कर दिया, हमने इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, इसको और इसको, समझ में आता है। अब दोनों दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है डी एंड एल दोनों का मिक्सचर बन चुका है। अब ध्यान देना, अगर मैंने इसके 5 मोल लिए हैं तो इसके भी 5 मोल ही लूंगा मैं, अगर मोल्स डिफरेंट ले लिए तो फिर काम नहीं बन पाएगा। हमने दोनों के 5-5 मोल्स लिए। अब जैसे ये मिक्सचर बना, मैंने पीपीएल को बोला तू इस सॉल्यूशन में से पास हो जा, तो पीपीएल गई इनके सॉल्यूशन से पास होने के लिए। जैसे पीपीएल जाने लगी, डी बोल रहा है, डी तो उसे क्लॉकवाइज रोटेशन देना चाह रहा है, एल जो है उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देना चाह रहा है, लेकिन चूंकि हमने रोटेशन भी सेम है, सेम कंपाउंड के डी और एल लिए थे, दोनों के अमाउंट भी सेम है, तो डी और एल की जो पावर है उसे रोटेशन देने की वो बराबर है। अब चूंकि डी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, एल एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं विद सेम पावर, समझ में आती बात। तो क्या होगा सर, ये दोनों एक दूसरे से लड़ के खुद ही हार जाएंगे और पीपीएल बराबर सीधी पास हो जाएगी। क्या पीपीएल में कोई रोटेशन हो पाएगा, पीपीएल में कोई भी रोटेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या बोल देंगे, ये जो रेसमिक मिक्सचर है, ये रेसमिक मिक्सचर है
ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ये जो racemic मिक्सर है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या डी ऑप्टिकली इनएक्टिव था? नहीं सर, डी तो क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा था पीपीएल को, एल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा था, लेकिन जो दोनों का मैंने इक्विमोलर मिक्सर बनाया वो पीपीएल को रोटेशन नहीं दे पाया, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे है? क्या ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन है या एक्सटर्नल कंपनसेशन है? तो समझना ध्यान से, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी मिजो कंपाउंड्स के बारे में, ध्यान देना, मिजो कंपाउंड्स के बारे में बात की थी। अगर मिजो कंपाउंड की मैं बात करता हूँ, C double H, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो भी, और ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ध्यान से समझना। हमने देखा ये जो है इसमें दो कायरल सेंटर, एक तो ये और एक ये, और चूंकि यहां पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही थी तो हमने देख लिया दो कायरल सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये मान लो, एक सपोज मैं मान रहा हूं कि अगर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है तो ये जो नीचे वाला है ये उसका अपोज करता क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा था। हमने पिछले लेक्चर में देखा ऐसा कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री का ऊपर वाला जो आधा पार्ट है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है तो नीचे वाला जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। हमने देखा एक ही कंपाउंड में दो डिफरेंट पार्ट हैं जो एक दूसरे को अपोज कर दे रहे हैं, तो क्या ये पीपीएल को रोटेशन दे पाएंगे? सर पीपीएल को ये रोटेशन नहीं दे पाएंगे। तो हमने देखा ये मिजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ये खुद के घर वालों से ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। समझ में आता है बात? अभी ध्यान देना, इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये इंटरनली कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है, या फिर एक और मैं बोल सकता हूँ एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल तो नहीं लेके आ रहे, एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, इसलिए हम बोल देते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो आधा पार्ट और दूसरा आधा पार्ट एक दूसरे को अपोज कर दे रहा है। तो मिजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, या फिर बोल दो इंट्रामोलिकुलर न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है चीज? यहां पर आ जाओ racemic मिक्सर में। अब racemic मिक्सर में अकेला D और या फिर अकेला L ये तो रोटेशन दे पा रहा था, लेकिन जब मैंने दोनों का मिक्सर बनाया तो इसका रोटेशन ये वाला कैंसिल आउट कर दे रहा है, इसका रोटेशन ये वाला कैंसिल आउट कर दे रहा है, तो क्या बोले? दोनों एक दूसरे का अपोज कर दे रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? सर ये जो racemic मिक्सर है ना, एक्सटर्नल की वजह से न्यूट्रलाइजेशन, एक्सटर्नल की वजह से ही ये उस पीपीएल को रोटेशन नहीं दे पा रहा। तो क्या बोलेंगे? racemic मिक्सर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, या फिर चूंकि डी और एल दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, या तो हम बोल देंगे इंटर मॉलिक्यूलर न्यूट्रलाइजेशन। लिख दिया स्टापन डाल के सभी ने, racemic मिक्सर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन या फिर इंटर मॉलिक्यूलर न्यूट्रलाइजेशन। लिख दो, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल की बात हो रही है इसलिए इंटर मॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल की बात थी इसलिए इंट्रा मॉलिक्यूलर। ये वर्ड जो, ये लाइन जो मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, याद रखना, आया हुआ है और आता रहेगा। लिख दो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, इस racemic मिक्सर है ना, ये तो बन गया। अब क्या हुआ, मान लो एक चीज होती है, पहले उस स्टोरी पे आ जाते हैं फिर अपन racemic मिक्सर पे फिर से आएंगे। जैसे क्या होता है ना, मिक्सर्स जो होते हैं, मिक्सर्स उनको सेपरेट करने के दो तीन तरीके होते हैं, जिनमें से मैंने आपको दो वर्ड लिखा दिए, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किसी भी मिक्सर में मान लो दो कंपोनेंट है, एक प्योर है दूसरा इम्प्योर है, एक कंपोनेंट जो हमें चाहिए और एक कंपोनेंट जो हमें नहीं चाहिए। समझ में आता है? तो उस दोनों कंपोनेंट को सेपरेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। यहां मैं दो मेथड्स की बात कर रहा हूँ, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ध्यान देना, क्रिस्टलाइजेशन वाला मेथड क्या होता है, अगर मान लो प्योर और इम्प्योर के बीच में सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस है, मतलब मान लो मैंने प्योर और इम्प्योर किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिफरेंट सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, तो क्या होगा, मैंने मान लो वाटर ले लेते हैं, अब प्योर और इम्प्योर, मान लो इम्प्योर जो है वाटर में ज्यादा डिजोल्व हो पा रहा है लेकिन प्योर वाला डिजोल्व नहीं हो पा रहा, तो क्या करते हैं हम, जो सॉल्वेंट है ना वाटर, उसे हॉट लेते हैं, हॉट सॉल्वेंट लेते हैं। अब उस मिक्सर को उस हॉट सॉल्वेंट में मिला दिया तो क्या होगा, जो इम्प्योर है, जो उसमें ज्यादा सोल्यूबल है वो तो सोल्यूबल हो जाएगा, और प्योर वाला उसमें कम सोल्यूबल है वो सोल्यूबल नहीं हो पाएगा उस सॉल्वेंट में। अब क्या करते हैं, उस हॉट सॉल्वेंट को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, ठंडा करने पर
जो पहले सोल्यूबल ही नहीं था वो तो जल्दी से क्रिस्टल बना के साइड में हो जाता है, और जो सोल्यूबल था इम्प्योर वाला जो मटेरियल उसमें सोल्यूबल था वो अभी भी सोल्यूबल बना रहता है। तो क्या देखेंगे सर, उस सॉल्वेंट में इम्प्योर वाला तो डिसॉल्व रहा और जो हमारा प्योर जो हमें चाहिए था वो क्रिस्टल्स बना के सेपरेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, उस मिक्सर को छान लेंगे किसी छलनी से या फिल्टर से, हमारे पास क्रिस्टल्स मिल जाएंगे और वो क्रिस्टल्स रहेगा 100% प्योर जो हमें चाहिए था। तो इस तरीके से एक मेथड होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, सोल्यूबिलिटी का डिफरेंस जहां पर होता है ये वाला मेथड यूज करते हैं। अब बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो जहां पर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वहां पर ये वाला मेथड यूज करते हैं। कैसे, समझो मान लो मिक्सर है, मिक्सर में प्योर और इम्प्योर दोनों प्रेजेंट है, उसे हीट कर दो। जैसे तुम हीट दोगे तो क्या होगा, मान लो मैं सपोज मान लेते हैं कि जो प्योर है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और इम्प्योर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो क्या होगा, जैसे तुमने हीट किया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो तो आप जल्दी से वेपर बना लेगा, तो जो हमारा प्योर था उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, प्योर वाला वेपर बना के उड़ जाएगा। उस वेपर को हम क्या करते हैं, दूसरे वेसल में कलेक्ट कर देते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे प्योर और इम्प्योर को सेपरेट करते हैं तो हम बोल देते हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, और सॉल्युबिलिटी के डिफरेंस पे प्योर इम्प्योर को सेपरेट करना वो होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो इसे लिख दो जल्दी से, क्लियर है चीज, क्रिस्टलाइजेशन सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। लिख दो इसे जल्दी से, इट इज द मेथड बाय विच मिक्सर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी या बाय देयर सॉल्युबिलिटी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में लिख देना, इट इज द मेथड बाय विच मिक्सर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर कंपोनेंट या प्योर कंपाउंड बाय देयर बॉइलिंग पॉइंट। हो जाएगा ये, तो यहां पर सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस होता है इसलिए हम ये मेथड यूज करेंगे, अगर यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है तब हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। लिख दो इसे जल्दी से, अब ये लिख दिया हो तो बैठना ध्यान से और सुनना, सुनेंगे ध्यान से थोड़ा। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि सर जो इनेंशियोमर्स हैं, इनेंशियोमर्स उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब चीजें उसमें इनेंशियोमर्स के लिए सेम होती है, सोल्युबिलिटी ये भी सब सेम होती है। डाई स्टीरियोमर्स के लिए हमने बात की थी, डाई स्टीरियोमर्स में ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट होती है। तो मुझे सोच के बताओ, ये जो दोनों मेथड हैं क्या ये मेथड हम इनेंशियोमर्स को सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं क्या, सोचो थोड़ा सा। सर इनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, अगर मैंने बात की डिस्टिलेशन यूज किया तो दोनों के दोनों ही बॉयल हो जाएंगे, दोनों के दोनों ही उड़ जाएंगे। क्या इम्प्योर और प्योर के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है क्या इनेंशियोमर्स में, नहीं आ रहा, आ रही बात समझ में। तो ये जो दोनों के दोनों मेथड हैं ये इनेंशियोमर्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज नहीं हो पाते, लेकिन कोई तुमसे बोले डाइस्टीरियोमर्स को सेपरेट करना है, डाइस्टीरियोमर्स को सेपरेट करना है, तो बोल देंगे इन दोनों में से कोई सा भी जो सूटेबल मेथड है वो यूज करो, तुम्हारा डाइस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है तो वो इन दोनों में से किसी एक मेथड की सहायता से वो सेपरेट हो सकते हैं। तो नोट डाल के लाइन लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, नोट डाल के लिखेंगे जल्दी से, लिखना, रेसमिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड, रेसमिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू प्योर इनेंशियोमर्स, इनटू प्योर इनेंशियोमर्स विद द हेल्प ऑफ अबाउ टू मेथड्स, विद द हेल्प ऑफ अबाउ टू मेथड्स, while diastereomers can be separated, while diastereomers can be separated because they have different physical properties। हो जाएगा ये, enantiomers को मतलब racemic mixture को हम प्योर इनेंशियोमर्स में सेपरेट नहीं कर सकते इन दोनों की वजह से, क्यों, क्योंकि उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। डाइस्टीरियोमर्स को हम कर सकते हैं क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो अब ऐसा कौन सा मेथड अपनाया जाए जिनसे हम रेसमिक मिक्सचर के जो डी और एल पार्ट है उसे हम सेपरेट कर सकें, उसे बोला जाता है, उसके लिए एक नई टेक्निक अपनाई जाती है और उसका नाम है रिजोल्यूशन। क्या नाम है, रिजोल्यूशन, हेडिंग डालो जल्दी से,
हेडिंग डालो, आ जाओ, हेडिंग डालेंगे रिजोल्यूशन, क्या बोलेंगे, सेपरेशन ऑफ एनेंशियोमर्स फ्रॉम दियर रेसमिक मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ एनेंशियोमर्स फ्रॉम दियर रेसमिक मिक्सचर इज नोन एज रिजोल्यूशन। डी और एल का जो मिक्सचर है, रेसमिक मिक्सचर बना हुआ है, उसमें से डी और एल को सेपरेट करना, उसे हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। और जो कंपाउंड रिजोल्व किया जा रहा है उसे हम बोलते हैं रिजोल्वेबल कंपाउंड। लिख दो, द कंपाउंड अंडरगोइंग रिजोल्यूशन इज नोन एज रिजोल्वेबल कंपाउंड। लिख दो इसे, चलो लिख दिया, स्टॉप डाल के फिर से लिखना, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच आर, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर रिजोल्वेबल, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर रिजोल्वेबल, मतलब जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनको हम रिजोल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स को हम रिजोल्व नहीं कर सकते। और वैसे भी पता है ऑप्टिकली इनएक्टिव जो कंपाउंड्स हैं उन्हें तो हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही सेपरेट कर सकते हैं, तो वहां पर रिजोल्यूशन की कोई बात ही नहीं है। रिजोल्यूशन मेथड किन के लिए है, जो एनेंशियोमर्स हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। क्लियर है चीज, लिख दो जल्दी से। अब इस मेथड में करते क्या है तो समझना, रिजोल्यूशन के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, मैं एक मेथड की बात कर रहा हूं, एक मेथड की मैं बात कर रहा हूं, समझना ध्यान से। मैंने बोला यहां पर डी एंड एल दोनों प्रेजेंट है मिक्सचर में, अब इसकी मैं रिएक्शन क्या किसी प्योर डी के साथ करवा देता हूं, प्योर डी के साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, क्या होता है ना, ध्यान से समझना, जब डी इस सॉल्यूशन में जाएगा तो डी डी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनेगा, डी कोमा डी बना देगा, डी इस एल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो डी कोमा एल बना देगा। अब ये डी डी और डी एल एक दूसरे के क्या होते हैं, डाई स्टीरियोमर्स, ऐसे तो समझ में आपको शायद नहीं आएगा, मैं आर एस लेके चलता हूं, समझना, इसकी बजाय मैं समझाता हूं आपको आर एस से और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बोला ये डी का जो रोटेशन है आर था और एल का जो रोटेशन है ऐसे, आर एस मिक्सचर है, रेसमिक मिक्सचर है, समझ में आता है। जब इसकी रिएक्शन मैंने किसी आर के साथ करवा दी, जैसे डी था मैंने आर के साथ रिएक्शन करवा दी, तो जब आर और आर के बीच में रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा आर आर बनाएगा, जब आर और एस के बीच में जाएगा तो ये बनेगा एस आर, ऐसे बना देगा, या आर एस, एक ही बात हो। तो मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बता दिया था कि आर आर जो होते हैं और आर एस होते हैं, मतलब इन दोनों में से एक कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, दूसरे पे फिक्स है, एक पे कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, दूसरे पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था, उसे हम बोलते हैं डाई स्टीरियोमर्स, डाई स्टीरियोमर्स, लिख दो इसे जल्दी से। तो ये जो ध्यान देना, अब आर एस जो रेसमिक मिक्सचर बना हुआ था, ये रेसमिक मिक्सचर था, रेसमिक मिक्सचर में या आर और एस का जो मिक्सचर था, डी और एल का जो मिक्सचर था, उसमें हमने आर मिला दिया, आर आर और आर एस बन गए, क्योंकि अब जैसे इस उस सॉल्यूशन में अब केवल आर और एस नहीं बचे, आर आर और आर एस आ गए, मतलब डाइस्टीरियोमर्स बन गए, वो जो सॉल्यूशन था वो अब रेसमिक मिक्सचर नहीं रहा, वो क्या बन गया, डाइस्टीरियोमर्स बन गया। तो डाइस्टीरियोमर्स का जो मिक्सचर होता है उसे तो हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, किसी भी जो सूटेबल मेथड है उससे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है इसे बोला जाता है रिजोल्यूशन, और रिजोल्यूशन तभी हो पाता है जब ये जो आर और एस है ये एनेंशियोमर्स हो, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स का रिजोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। लिख दो जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट था, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, ये कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर रिजोल्वेबल एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स आर नॉन रिजोल्वेबल। और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिनमें COS और POS दोनों नहीं होते, जो काइरल कंपाउंड होता है, जो काइरल कंपाउंड होते हैं, काइरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वही जो है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और इनमें हम देखते हैं क्या देखते हैं, सर COS भी नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी भी नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए। लिख दो जल्दी से, लिख दो इसे भी, हो जाएगा ये, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं, आगे हमें दिया हुआ है ऑप्टिकल प्योरिटी, या फिर इसे बोला जाता है एनेंशियोमेरिक एक्सेस, हेडिंग डाल लो, समझते हैं, ऑप्टिकल प्योरिटी या फिर एनेंशियोमेरिक एक्सेस, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी देखते हैं।
ऑप्टिकल प्योरिटी का एक फॉर्मूला होता है डी माइनस एल अपॉन में डी प्लस एल इंटू 100। वैसे हमें ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, बिना फॉर्मूले के भी आंसर आ जाएंगे, केवल फॉर्मूला लिख दो डी माइनस एल अपॉन में डी प्लस एल इंटू 100। मोड इसलिए लगाया हुआ है ताकि आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज नेगेटिव में कभी भी नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पर मोड लगाया हुआ है। लिख दो इसे जल्दी से। अब इसे हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लो अपने को एक मिक्सर दिया हुआ है, ये जो मिक्सर है इस मिक्सर में मैंने बोला किसी सब्सटेंस का, कुछ भी ले लो, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का मैंने 80% लिया, डेस्ट्रो पार्ट, डेस्ट्रो जो पार्ट है हमने लिया 80% और लीवो पार्ट हमने लिया 20%, टोटल 100% मिक्सर हो गया हमारे पास। समझ में आता है ये? अब मुझे इसमें ऑप्टिकल प्योरिटी की बात करनी है और बाद में रेसमिक मिक्सर की भी बात करनी है। रेसमिक मिक्सर समझना ध्यान से, 80% डेस्ट्रो, 20% लीवो हमने मिक्सर बना दिया। अब क्या होगा, ये जो लीवो है मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देता है और डेस्ट्रो जो है क्लॉकवाइज रोटेशन देता है, ये 20% उसके 20% का रोटेशन तो कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन अभी भी 80 में से 20 गया, कितना परसेंट बचा, 60%। तो इस डी का 60% अभी भी जो पीपीएल लाइट है उसे डेस्ट्रो से रोटेशन दे सकता है, तो वही उसकी क्या है, ऑप्टिकल प्योरिटी है। ये जो मिक्सर है इसकी पूरे की ऑप्टिकल प्योरिटी आ जाएगी 80 माइनस 20, दैट इज 60%। और 60% भी कैसे बोलेंगे, ये जो मिक्सर है अगर तुमने इसे पीपीएल पास कर दी इसमें से, तो ये जो मान लो कोई पर्टिकुलर इसका कोई सब्सटेंस है उसका स्पेसिफिक रोटेशन तो होता है, उस स्पेसिफिक रोटेशन का 60% से रोटेशन दे सकता है, इसका ऑप्टिकल प्योरिटी है 60%। अब बात करते हैं इसमें रेसमिक मिक्सर, रेसमिक मिक्सर कितना बनेगा, सर इसका 20% उसके 20% को कैंसिल आउट कर रहा है, तो टोटल 40% ऑफ द मिक्सर, 40% ऑफ द मिक्सर विल बी आवर रेसमिक मिक्सर। और ये 40 आया कैसे, इसका 20 उसका 20, टोटल 40%। लिख दो ऐसे जल्दी से। और वो स्पेसिफिक रोटेशन वाली बात शायद आपको समझ में नहीं आई हो, अभी अपन एग्जाम्पल से उसे भी समझेंगे, पहले इसे लिख दो जल्दी से। इसके एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लो यहां तो परसेंटेज दिया था, परसेंटेज दिया था, ऐसा देख लो, चलो अगर आपको दिया हुआ है डी जो है 100% है ऐसे दे दिया मान लो, और एल जो है 0% है, तो मुझे बताओ इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी, तो देख के आंसर दे दोगे, सर इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी, ये जो पूरा मिक्सर है इसमें एल तो है ही नहीं, पूरा का पूरा डी है, तो ये जो ऑप्टिकल प्योरिटी इसकी रहेगी 100%, एल है ही नहीं उसमें से। रेसमिक मिक्सर बोलो, सर रेसमिक मिक्सर भी 100% नहीं, रेसमिक मिक्सर, सर रेसमिक मिक्सर तो इसका जीरो उसके जीरो को कैंसिल आउट कर पाएगा, रेसमिक मिक्सर यहाँ रहेगा 0%। रेसमिक मिक्सर बनने के लिए डी और एल तो होना चाहिए, यहाँ एल है ही नहीं, केवल डी है, तो ऑप्टिकल प्योरिटी 100% रहेगा, रेसमिक मिक्सर 0% रहेगा। लिख दो इसे जल्दी से। ये हो गया परसेंटेज के मामले में। कहीं पर अगर मैं बात करता हूँ, आपको परसेंटेज की जगह ग्राम में दे दिया, मैंने बोला डी जो है ना मैंने 6 ग्राम लिया था और एल जो मैंने है ना 4 ग्राम लिया है, ऐसा लिया है 4 ग्राम लिया है, टोटल 10 ग्राम हो गया। अभी मुझे बताओ डी 6 ग्राम लिया, परसेंटेज बताओ, परसेंटेज डी कितना है, सर डी जो है 6/10 × 100, मतलब जो डी हमारे पास है परसेंटेज में कितना, 60% है, समझ में आता है, और परसेंटेज एल जो हमारे पास 40% है। अब परसेंटेज निकाल के आप डायरेक्टली ऑप्टिकल प्योरिटी और रेसमिक मिक्सर का आंसर दे सकते हो, समझ में आता है ये? अगर मैं बात करता हूँ कितना परसेंट ऑप्टिकल प्योरिटी है इसकी, तो ऑप्टिकल प्योरिटी आ जाएगी तुम्हारे पास सर 60 माइनस 40, 20%, 20% की इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी है, समझ में आता है? इसका 4 उसके 4 को न्यूट्रलाइज कर देगा तो बचेगा 2 ग्राम, और 2 / 10 20% हो जाता है वो। रेसमिक मिक्सर की बात करो जल्दी से, रेसमिक मिक्सर कितना बनेगा, सर इसका 40% उसके 40% को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, टोटल 80% हमारे पास न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन रहेगा, उसे हम बोल देंगे रेसमिक मिक्सर। 40% एल,
40% डी टोटल मिलके 80% हमारे पास रेसिन मिक्सचर बन जाएगा। लिख दो इसे, कोई ग्राम में पूछे तो 4 ग्राम इसका उसके 4 ग्राम को न्यूट्रलाइज कर देगा, टोटल 8 ग्राम का मिक्सचर हमारे पास यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर रहेगा और ऑप्टिकल प्योर कितना रहेगा 2 ग्राम ऑप्टिकल प्योर रहेगा। लिख दो इसे जल्दी से, यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, चलो 2 ग्राम और यहां पर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं 4 + 4 = 8 ग्राम। लिख दो जल्दी से। तो क्लियर है, आपने बिना फॉर्मूला लगाए ऑप्टिकल प्योरिटी का आंसर दे दिया, बिना फॉर्मूला लगाए ऑप्टिकल प्योरिटी का आंसर दे दिया। लिख दो इसे जल्दी से। अब एक दो क्वेश्चन और देखेंगे अपन, इनकी परसेंटेज ऑप्टिकल कितना रोटेशन दे पाएगा उसके ऊपर ये लिख दो। बिना फॉर्मूले के हमने सॉल्यूशन कर दिया था, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस इज 1.68 डिग्री। प्योर सब्सटेंस है उसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 1.68 डिग्री। फाइंड स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर 75% डी प्लस 25% एल माइनस ऑफ द सब्सटेंस। अभी तुमने क्या किया, जो कोई सब्सटेंस का, मैंने कोई भी सब्सटेंस ले लिया, मान लो ब्यूटेन टू ऑल ले लिया, ऑप्टिकल प्योर है उसका, अगर मैंने डी आइसोमर लिया तो 75% है और L आइसोमर जो मैंने लिया है वो 25% है, तो मुझे बताओ इसका 25 उसके 25 को तो कैंसिल आउट कर देगा, सॉल्यूशन में बचेगा क्या 50% डी। समझ में आता है, क्या बचेगा 50% डी। और अगर डी है ना 100% होता तो इतना रोटेशन देता, लेकिन 50% है तो कितना रोटेशन देगा। आप तो समझदार हो, अब समझना कैसे देखते हैं। सर सबसे पहले हम निकालेंगे ऑप्टिकल प्योरिटी, ऑप्टिकल प्योरिटी निकालेंगे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि सर इसका 25% उसके 25% को कैंसिल आउट कर दे रहा है, हमारे पास केवल 50% सॉल्यूशन ही है जो ऑप्टिकल प्योर है, 50% सॉल्यूशन ही है जो ऑप्टिकल प्योर है, और वो ऑप्टिकल कैसा है, डी तरीके से है, डेस्ट्रो वाला। तो अब मैं बोल दूंगा जो नेट रोटेशन अभी मिलेगा, नेट रोटेशन अभी जो मिलने वाला है, नेट रोटेशन जो मिलने वाला है उस सॉल्यूशन का, नेट रोटेशन बोला या नेट स्पेसिफिक रोटेशन, नेट स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर। तो मैं बात करता हूं, सर अगर प्योर डी होता तो 1.68 डिग्री का रोटेशन देता, लेकिन वो 100% प्योर नहीं है, केवल 50% रह गया। अगर डी 100% होता तो वो 1.68 देता, लेकिन उसका 50% ही है, तो 50% ही दे पाएगा। अब देख लो इसका 50% कितना है, सोल्व कर देना, 0.5 या डिवाइड बाय 2 भी बोल सकता हूं। 50 से ये गया दो बार, 2 से गया ये, तो 0.84 डिग्री। लिख दो जल्दी से, 4 × 2 = 8, ठीक है, 0.84 डिग्री का ये रोटेशन देगा, और वो भी कैसा देगा, प्लस में, यहां पर मैं लिख देता हूं ये प्लस वाला आएगा, प्लस, क्योंकि डेस्ट्रो बचा हुआ था, क्योंकि हमने देखा कि जो ऑप्टिकल प्योरिटी थी वो किसकी वजह से आ रही थी, 50% डी की वजह से, तो जो रोटेशन मिलने वाला है नेट वो मिलेगा तुम्हारा क्लॉकवाइज में, या डेस्ट्रो रोटेशन मिलने वाला है। लिख दो जल्दी से, ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन केवल जो बोलते हैं ना मैथमेटिक्स है एक तरीके से, कि हमारे पास जो हमने मिक्सचर लिया था 75% डी 25% एल लिया था, तो नेट कितना रहा सर 50% डी बचा। अगर वो प्योर 100% डी होता, देखना अगर वो 100% डी होता ना, 100% डी, तो वो कितना आंसर देता, 1.68 डिग्री का रोटेशन देता, लेकिन 100% डी नहीं है, केवल 50% बचा है, 50% है, तो 1.68 का 50% हमने निकाल के आंसर दे दिया। लिख दो जल्दी से। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी देखते हैं, जिसमें हमने देखा मेंडेलिक एसिड है, मेंडेलिक एसिड का माइनस हमने लीवो पार्ट लिया, उसका रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन है -158 डिग्री। लीवो का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो है -158 डिग्री, ठीक है। फाइंड स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर, इतने परसेंट डी और इतने परसेंट एल,
ऑफ मेंडेलिक एसिड, मुझे बता दो जल्दी से आंसर, बता दो जल्दी से। पहले ऑप्टिकल प्योरिटी निकालो, ऑप्टिकल प्योरिटी, सर ऑप्टिकल प्योरिटी हमारे पास बचेगा डी माइनस एल, ये बचेगा 20%। हम क्या बोलेंगे, अगर वो 100%, ये 20% क्या बचा, डी बचा, डी डी मतलब प्लस में रहेगा, माइनस का रोटेशन माइनस 158 है, तो डी का प्लस का रोटेशन कितना रहेगा, प्लस 158 डिग्री। समझ में आता है ये बात, अभी ध्यान से समझना, ऑप्टिकल प्योरिटी 20% है, मतलब डी जो है ना केवल इतना परसेंट बचा हुआ है, अगर डी 100% होता तो 158 डिग्री का रोटेशन देता, लेकिन अभी वो केवल 20% है, तो 158 का 20% उतना ही वो रोटेशन तुम्हें दे पाएगा। तो मैं लिख देता हूं, नेट स्पेसिफिक रोटेशन, वो ध्यान देना उसने वैल्यू माइनस में दी है, लेकिन हम यहां पर वैल्यू किस में लेंगे, प्लस में। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वो 20% डी बचा हुआ है, एल नहीं बचा हुआ है। डी और एल में क्या होता है, केवल साइन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है। नेट स्पेसिफिक रोटेशन और ये रहेगा डेस्ट्रो, तो डेस्ट्रो है इसलिए मैं बोल रहा हूं प्लस 158 का 20% लिख दो, यही आंसर आएगा। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है देख लो, कितना आएगा सर, इससे ये गया पॉइंट। अब तुम्हारे पास 8 × 2 = 16, 15 × 2 = 30 और 6 = 36, नहीं 8 × 2 = 16, 15 × 2 = 30 और 1 = 31, 31.6 आंसर लिख दो जल्दी से, यही आंसर आने वाला है, लिख दो, सही है यही आंसर है, हो जाएगा ये। हमने सिंपल पहले परसेंटेज, मतलब हमने पहले परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी निकाली, अगर ये डी 100% आ रहा होता ना तो मैं डायरेक्टली 158 आंसर दे देता, लेकिन डी आ रहा है 20%, तो 158 का 20% हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने रेसमिक मिक्सचर पढ़ा, रेसमिक मिक्सचर के बाद हमने कुछ मेथड्स देखे क्रिस्टलाइजेशन के, फिर हमने रिजोल्यूशन पढ़ा, रिजोल्वेबल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, रिजोल्वेबल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, फिर हमने ऑप्टिकल प्योरिटी के बारे में, एनेंशियोमेरिक एक्सेस के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको प्रैक्टिस करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय भारत।